आज हम बात करेंगे स्कूल में किस उम्र की लड़कियों को पढ़ना सबसे आसान होता है और किस उम्र की लड़की को प्रपोज करने पर वो ना नहीं कहती। लड़कियों में एक ऐसा उम्र आता है इस उम्र में लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने के लिए लड़कों को ढूंढती है, दिल ही दिल में पहली बार किसी लड़के को पसंद करती है पर वो किसी को बोल नहीं पाती। वो खुद चाहती है कोई तो आए मेरी जिंदगी में सावन बनकर, जो मुझे बहुत प्यार करे, जो मेरे साथ वक्त बिताए, जो मेरे साथ घूमने जाए, इंजॉय करे। लड़कियां बहुत सारे सपने सजाए लड़कों का इंतजार कर रही होती है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी लड़की ऐसा सोच रही है? स्कूल में जब लड़की 8th, 9th या 10th में होती है तो उसमें बदलाव आना शुरू होता है। मनोवैज्ञानिक सच ये है कि इस उम्र में लड़कियों में सबसे ज्यादा बदलाव आता है। इस उम्र में उसके सामने बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और जिनका जवाब उसके पास नहीं होता। उसे पहली बार प्यार होता है, ऑपोजिट साक्षी की तरफ वो अट्रैक्ट होती है। वो किसी भी लड़के से बात करने के लिए उतावली होती है, वो अपने पर्सनल बातों को बोलना चाहती है, शारीरिक बदलाव के बारे में जानना चाहती है, वो तो अनजाने लड़के को भी पटाने की कोशिश करती है। इस उम्र की लड़की को प्रपोज करोगे तो वो मना नहीं कर पाएगी, थोड़ी मेहनत से ही इस उम्र की लड़की को पटा लोगे। 14 से लेकर 18, इस उम्र में स्कूल की लड़की को पटाना सबसे आसान होता है और जब लड़की 17 की होती है तो सबसे ज्यादा उतावली होती है प्यार के मामले में। ये किसी से नहीं डरती, कहीं भी आ जाती है, दिमाग से पैदल होती है, पूरा दिल की सुनती है, जो दिल में आए वही करती है। जो लड़की अपनी उम्र से जल्दी शारीरिक रूप से बढ़ चुकी होती है इन लड़कियों को भी पटाना सबसे आसान होता है। आप चाहो तो इन्हें प्रपोज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।